What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 20th मार्च 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 19 मार्च आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8203। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, गैप डाउन ओपन होने के बाद फर्स्ट टारगेट के नीचे ये ओपन हुआ। तो हमारा जो ये प्री प्लान था उसके मुताबिक यहाँ पर शुरू में तो कोई ट्रेडिंग प्लान यहाँ पर नहीं बनता। एग्जैक्ट सेकंड टारगेट के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। अगर 10 मिनट के चार्ट में देखें तो एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर बना और इसके बाद जैसे इसका ब्रेकआउट मिला तो ये ऊपर की तरफ मूव होने लगा। कल एक्सपायरी का दिन था तो काफी वोलेटाइल मार्केट था। तो ऊपर जाने के बाद जब ये इसने फिर से एक बार स्विंग लो लगाया तो ब्रेकडाउन लेवल ब्रेक होने के बाद ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट इसने अचीव किया था। 8117 का इसने लो लगाया था। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 24 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 18,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। कल अगर आपने देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर ने देश से एक अपील की है कि 22 मार्च यानी संडे को सुबह 7 से 9 बजे तक एक जनता कर्फ्यू के नाम पे हमें पालना है। कोई भी घर से ना निकले तो इससे काफ़ी मदद होगी। ये जो कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है अगर हम ये इसे सही तरीके से, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है उसको हम सही तरह से अगर कंटिन्यू करें 22 मार्च को तो काफ़ी इससे मदद हो सकती है। तो एक अपील है सभी से कि आने वाले संडे को इस तरह से अपने घर में ही आप बने रहिए, अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो ही घर से बाहर निकले। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल यूएस मार्केट में एक बार रिकवरी देखने को मिली, नासडैक 160 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में भी पॉजिटिव नोट के साथ कारोबार देखने को मिला। एसजीएक्स निफ्टी पॉजिटिव अभी इस समय दिखा रहा है, 14 पॉइंट्स का अपसाइड मूव दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स आज वहाँ पर छुट्टी है, जापानीज इंडेक्स आज बंद है। चाइना मार्केट में भी अभी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, 509 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखें तो अभी फिलहाल यहाँ पर 100 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। तो प्रेशर अभी भी काफ़ी बना हुआ है क्योंकि जो पेशेंट्स है कोरोना वायरस पॉजिटिव पर्सनस है वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। जब तक इसमें कोई गिरावट नहीं आती या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आती तब तक ये पैनिक मूव हमें पूरे ग्लोबल मार्केट्स में दिखाई दे सकता है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। मंथली चार्ट से एक बार फिर से शुरू करेंगे। मंथली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर एक पास्ट में स्विंग लो को आइडेंटिफाई किया था, 8966 जो कि 61.8% का लेवल था। ये ब्रेक होने के बाद इसने अभी नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर ये टेस्ट कर रहा है। अगर यहाँ से और स्थिति गंभीर हो जाती है दुनिया भर के देशों में और लॉकडाउन जैसी परिस्थिति अगर यहाँ पर आ जाती है तो ये भी सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये जो माहौल है ये 2016 के आसपास का माहौल है ये। तो यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाया था तो यहाँ पर भी ये एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो मंथली चार्ट के हिसाब से अगर 8150 के नीचे ये क्लोज होता है, मंथली चार्ट में अभी 1 वीक बाकी है मंथ खत्म होने के लिए, ये हम मंथली चार्ट देख रहे हैं। तो अगर मंथली चार्ट में इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो आने वाले लेवल हमें 6800 तक निफ्टी इंडेक्स में दिखाई दे सकते हैं। तो ये मंथली चार्ट का अभी तक का सिनारियो है। अगर मूविंग एवरेजेस को देखें जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म है वो अभी भी असेंडिंग ऑर्डर्स में बने हुए हैं मंथली चार्ट में। वीकली चार्ट में देखें तो 20 और 50 का निगेटिव क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन हालांकि ये अभी भी 100 EMA के ऊपर ये ट्रेड कर रहे हैं। और नीचे देखें तो यहाँ पर भी आपको क्लियर ये स्विंग लो दिखाई देगा जहाँ पर ये अभी इसने कल यहाँ पर एक पॉज लिया हुआ है, डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हुआ था और वहाँ से एक रिकवरी आई थी। अगर आप 120 मिनट्स के चार्ट में देखें, 2 आर्ली चार्ट में देखें तो यहाँ पर एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना था और उसके बाद ये कन्फर्मेशन वाला कैंडल बना था, यानी कि ये हैमर का हाई ब्रेक होने के बाद उसके बाद ये बुलिश कैंडलस्टिक बना था। तो यहाँ पर चांसेस है, सेंटिमेंट्स है कि यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है ये 20 EMA तक, यहाँ पर ये पिंक लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ तक। डेली चार्ट में अगर देखें आप
तो यहाँ पर एक बोरिंग कैंडल जैसा कल बना था। कल एक एक्सपायरी का दिन था, वीकली एक्सपायरी का दिन था, तो यहाँ पर एक बोरिंग कैंडल बनते हुए हमारे नजर आ रहा है। तो इसका हाई और लो अभी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का काम कर सकता है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई अभी फिलहाल कंटिन्यूज, ये यहाँ से ये पैटर्न को देखिए आप, कंटिन्यूज ये यहाँ से लोअर हाइज लोअर लो बनाते हुए दिखाई दे रहा है। अभी इसने प्रीवियस लो अभी तक ब्रेक नहीं किया। अगर यहाँ से ऐसा कुछ हायर बॉटम्स अगर बनते हैं ये ऐसे, तो चांसेस होंगे कि यहाँ से एक अपसाइड फिर से हमें जनरेट होते हुए दिखाई दे। लेकिन पैटर्न ऐसा बनना चाहिए जहाँ पर अगर पास्ट में आप आरएसआई को एनालिसिस करें तो ये देखिए यहाँ पर कैसे इसने हायर बॉटम्स बनाए। ये देखिए हायर बॉटम्स, एक के ऊपर एक बॉटम बन रहा है। इसी तरह से अगर अभी हमें यहाँ से कुछ हिंट मिलती है, सिग्नल मिलता है, तो ही हमें यहाँ से अपसाइड मूव आ सकती है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लेकिन फिलहाल अभी पैनिक सिचुएशन कंटिन्यूज है, तो अगर हर एक सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ निफ्टी और भी तेजी से गिरता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। सो ये था डेली वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल ये एग्जैक्ट अगर आप देखें आर्ली चार्ट में, जहां पर ये वेनसडे को क्लोज हुआ था उसके बाद एक गैप डाउन ओपन हुआ कल, तो यहाँ पर जो इनिशियल पॉइंट है कल इसी के पास इसने एग्जैक्ट यहाँ पर ये स्विंग हाई बनाया है। तो इसको अगर आज ये ब्रेक करता है, यानी 8469 को अगर ब्रेक करता है, तो ये इंट्राडे के लिए यहाँ पर हम बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8571, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 8673, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है, तो जहाँ से इसने स्विंग लो बनाया है, जहाँ पर क्लोज दिया है अर्ली चार्ट में, यानी 7928 के नीचे अगर चला जाता है, तो ये इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन हम बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7825, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 7725, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो यह है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको यह वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।